सर, रिहेबिलिटेट करने के बाद, रिहेबिलिटेशन के बाद जब आप वापस बच्चों को पेरेंट्स के पास भेजते हैं, तो क्या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा भी कभी हुआ है तो बच्चे वापस आपके पास आना चाहते हुए आ गए हों कि नहीं, मुझे तो यहाँ पे अच्छा है, बिल्कुल, एक्शन क्लियर है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि अच्छा हाँ, जो बच्चे घर से रनअवे होते हैं, जो आ जाते हैं इधर बड़े शहरों की तरफ, दिल्ली हो, बम्बई, जब वो होम में रहते हैं तो यहाँ उनको पूरी फैसिलिटी दी जाती है, जो हमारे कानून के मुताबिक एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि भाई इनको कैसे केयर करनी है, वो पूरी केयर की जाती है, उनके डाइट मेनू बना होता है उनका, उसके अनुसार खाना दिया जाता है, उनको स्कूल में जो है एजुकेशन दी जाती है, उनको एक यहाँ पर एक कम्युनिटी लिविंग मिलती है होम में बच्चों की। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको ले जाते हैं या हम उनको उनके घर भेज जाते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं कि हम तो होम में रहना चाहते हैं, अच्छा क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जो कंफर्ट चिल्ड्रन होम में मिलता है, घर पे उनको नहीं मिलता, ऐसा खाना उनको नहीं मिलता, क्या तो ऐसा फिर कुछ उनकी काउंसलिंग जी? काउंसलिंग की जाती है कि भाई हम उन बच्चों को रखते हैं यहाँ पर जो ऑर्फन हैं, जिनकी देखरेख माँ बाप नहीं कर सकते, ये उनको काउंसलिंग करके उनको वापस भेज दिया। अच्छा।